टुडे द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज 2D ट्रांसफॉर्मेशंस। 2D ट्रांसफॉर्मेशंस में आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रोटेशन किस तरह से यूटिलाइज की जाती है, रोटेशन बेसिकली परफॉर्म किस तरह से होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो रोटेशन रिपोजिशंस एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ। बेसिकली आपके पास जो ट्रांसलेशन थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एक फॉर्म थी, उसमें हम लोग जस्ट पोजीशन को चेंज करते थे, बट रोटेशन में हम रिपोजिशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। रोटेशन रिक्वायर्स एन एंगल एंड अ पिवट पॉइंट। रोटेशन में बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक थीटा एंगल की रिक्वायरमेंट होती है और एक पिवट पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ट्रांसलेशन में हमें ट्रांसलेशन डिस्टेंसेज रिक्वायर्ड होते हैं और स्पेसिफिक पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना होता है। रिपोजिशन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन, रोटेशन एंगल थीटा एंड रोटेशन पॉइंट बिकम्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स को, एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड आर बेसिकली ये डिस्टेंस होता है उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से ऑब्जेक्ट तक। सो आपके पास थीटा पॉजिटिव है, मीन की काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही है परफॉर्म। थीटा नेगेटिव है, सो क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही है परफॉर्म। अगर आपको गिवन होता है कि आपने काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन परफॉर्म करनी है तो थीटा इज पॉजिटिव, एंड अगर आपको क्लॉक वाइज रोटेशन परफॉर्म करनी है तो थीटा बिकम्स नेगेटिव होगा, तो आप थीटा की जो भी वैल्यू यूटिलाइज करेंगे वो नेगेटिव यूटिलाइज करेंगे। रोटेशन बेसिकली रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट को जस्ट हम रिपोजिशन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड विदाउट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म किए बगैर ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय द सेम एंगल एज इट इज, जिस तरह से ट्रांसलेशन में होता है उसी तरह से रोटेशन में भी है कि आपने हर पॉइंट को रोटेट करना है सेम एंगल के साथ ताकि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म ना हो। टिपिकली सारे एंड पॉइंट जो होते हैं ऑब्जेक्ट के वो रोटेट किए जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट उसके बाद रीड्रॉ किया जाता है यूजिंग जो भी आपके पास न्यू एंड पॉइंट पोजिशन जो है वो कंप्यूट की जाती है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक ग्राफ है और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। सो इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो थीटा की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एंगल गिवन होगा, सो एंगल गिवन होगा तो आप उस शेप को रोटेट कर सकते हैं। एंगल के साथ आपको ये शेप भी गिवन है और शेप से आप एक्स एंड वाई पॉइंट्स भी कंप्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पे अगर देखें तो आपके पास एक्स 4 है एंड वाई आपके पास 1 है। सो इस पॉइंट को रोटेट करने के लिए देन आप थीटा की एक वैल्यू यूज करेंगे जिसके थ्रू आप इस पॉइंट को रोटेट करेंगे। ओके, फॉर सिंपलिसिटी कंसीडर द पिवट एट ओरिजिन एंड रोटेट द पॉइंट पी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है कि पिवट जो है उसका वो ओरिजिन पे है और हमें रोटेट करना है एक पी पॉइंट को। फिर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब ये जो x एंड y इक्वल है r cos phi एंड sin phi के, ये किस तरह से कंप्यूट किए जाते हैं आप देखें तो cos phi जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो जो बेस है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारे पास, अगर x एक्सिस को हम अज्यूम करें कि बेस हमारे पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है r को, और r बेसिकली कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू द ऑब्जेक्ट का। सो जब आपके पास इक्वेशन फॉर्म क्या बन जाएगी, cos phi equals to x over r। सो जब आप x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे सो x is equal to r cos phi बन जाएगा। इसी तरह से y is equal to r sin phi किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, sin equal होता है perpendicular over hypotenuse के। सो perpendicular जो आपके पास है वो बेसिकली आप y axis को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो perpendicular की जगह पे आप y axis को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड hypotenuse पे आपके पास r है जो कि डिस्टेंस है ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा r sin phi के। नेक्स्ट, इफ रोटेटेड बाय द थीटा देन, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे थीटा के अकॉर्डिंगली, x प्राइम इज इक्वल टू r cos phi प्लस थीटा है हमारे पास। अगर आप इस फॉर्मूला को ओपन करें सो r cos, जिस तरह से cos alpha plus beta होता है, सेम r cos alpha cos beta minus r sin alpha sin beta as it is। इसी तरह से जब हम y prime के लिए करेंगे तो sin alpha plus beta है, r cos alpha sin beta plus r sin alpha cos beta। so alpha यहाँ पे phi है हमारे पास एंड beta हमारे पास यहाँ पे theta को रिप्रेजेंट कर रहा है। so हमारे पास गिवन है स्टार्ट में कि x इक्वल है r cos phi के, सो हम क्या करेंगे r cos phi की रिप्लेसमेंट में x पुट अप कर देंगे।
सो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, आर फर्स्ट जो हम लोग अगर देख लें तो आपने क्या करना है, इस आर कॉस फाइव की जगह पे एक्स पुट करना है। सो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी आर कॉस थीटा माइनस, इसी तरह से आर साइन फाइव की जगह पे आप वाई पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा आर साइन सॉरी वाई साइन थीटा। सो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। एंड सेकेंड में भी अगेन इसी तरह से आर कॉस फाइव की जगह पे आप एक्स पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस आर साइन फाइव की जगह पे आप पुट अप करेंगे y, और ये बन जाएगा प्लस y cos थीटा। सो इस तरह से हमारे पास रोटेशन पे इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली कि हमारे पास जो रोटेटेड पॉइंट है जो कि x प्राइम एंड y प्राइम है जो कि p प्राइम इक्वल है हमारे पास, सो किस तरह से पॉइंट रोटेट होते हैं। सो इन्हीं इक्वेशन को यूज करते हुए आप पॉइंट्स को रोटेट कर सकते हैं जिसमें x एंड y जो है वो ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट में आप फर्स्ट वर्टेक्स को लें तो फर्स्ट वर्टेक्स में x एंड y कोऑर्डिनेट एंड कॉस एज इट इज एंड थीटा वो एंगल है जिसपे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, आप पुट करेंगे, इसी तरह से आपके पास एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम कंप्यूट हो जाएगा। सो इन्हीं इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास पी प्राइम होगा जो कि आपके पास रोटेटेड पॉइंट को शो कर रहा है, पी आपके पास ओरिजिनल पॉइंट है एंड इसके बाद आपके पास कॉस थीटा एंड साइन थीटा है। सो इसी को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सो हमारे पास पी प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू पॉइंट को, रोटेटेड पॉइंट को एंड आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड पी पॉइंट आपके पास है एक्स पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो पी प्राइम न्यू पॉइंट है इक्वल टू आर डॉट पी। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये क्या बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स प्राइम के, एंड वाई प्राइम इक्वल होगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा के। सो इस तरह से आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट गिवन हो उसमें अगर फाइव वर्टिसेस हैं, फोर वर्टिसेस हैं, जो भी वर्टिसेस होंगी हर वर्टिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल वर्टिक्स वन पी है, नेक्स्ट वर्टिक्स क्यू है, थर्ड वर्टिक्स आर है, सो पी क्यू आर के लिए आप पी के लिए पी प्राइम कंप्यूट करेंगे, क्यू के लिए क्यू प्राइम एंड आर के लिए आप आर प्राइम कंप्यूट करेंगे। एंड देन ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स ड्रॉ होंगे, एंड पॉइंट्स ड्रॉ होने के बाद जो भी आपके पास न्यू पॉइंट्स कंप्यूट हुए हैं वो पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे एंड देन शेप अगेन रीड्रॉ हो जाएगी, बट वो रीड्रॉ जो होगी वो रोटेटेड पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली रीड्रॉ होगी।